हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए इंडियन लिटरेचर पर कुछ एमसीक्यूज लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज द सर्पेंट एंड द रोप इज रिटन बाय, बहुत ही फेमस वर्क है सर, द सर्पेंट एंड द रोप, और ये लिखा है राजा राव ने। नेक्स्ट है सर, सिटी ऑफ फोकस ऑफ एक्शन इन द सर्पेंट ऑफ रोप, सर्पेंट एंड सर द सर्पेंट एंड द रोप के एक ना एक माइथो जिसे हम कहते हैं फिलोसफिकल वर्क है, और इसमें जो मेन किस शहर की बात की गई है सर, बनारस की बात की गई है। नेक्स्ट है सर, डांस ऑफ शिवा इज रिटन बाय, डांस ऑफ शिवा जो है सर ये एक माइथोलॉजिकल वर्क है जो कि कुमार स्वामी ने लिखा है सर। ये अब आप याद रखिएगा कि सर जो शिव जी के पुत्र का नाम था कार्तिकेय, तो यहाँ से कार्तिकेय से ये कुमार, कुमार कार्तिकेय उनका नाम था, तो यहाँ डांस ऑफ शिवा लिखा है कुमार स्वामी ने, कुमार कार्तिकेय के बदले किसने लिखा है, कुमार स्वामी ने। क्राइस्ट एंड आई ए डायलॉग सर, ये भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्क रहा है, क्राइस्ट एंड आई ए डायलॉग, ये वर्क लिखा था सर सोम पी रांचन ने। अब इसको कैसे याद करेंगे कि सर सोम सोमरस, सोम पी के जब बंदा रांचता है रांचो, वो हमारे थ्री इडियट्स वाले के सोम पी के जब रांचो ने क्या किया, क्राइस्ट एंड आई ए डायलॉग लिखा। स्लीप वॉकर्स, स्लीप वॉकर्स जो है ये एक प्ले है नजीम इजैकियल का, नींद में बंदा चलता है तो इजैकियल साहब ने नींद में एक प्ले लिख दिया स्लीप वॉकर, और स्लीप वॉकर किस थीम पर है, गिव अस दिस डे आवर डेली अमेरिकन, ये जो सर थीम है दिस गिव अस दिस डे आवर डेली अमेरिकन, यानी कि एक तरह से आप मान लीजिए कि ये अमेरिकन थीम पे, अब आपको अमेरिकन ड्रीम पे है दिस आवर अमेरिकन, तो अब आप याद कर लीजिए स्लीप वॉकर है वो बंदा जब नींद में चलता है तो उसको नींद में हमें क्या आते हैं, ड्रीम्स आते हैं, तो ये कहता है कि सर आज का जो मेरा डेली अमेरिकन ड्रीम है वो दो। नेक्स्ट है सर, कन्फेशन ऑफ ए लवर, कन्फेशन ऑफ ए लवर ये नॉवल है सर, किसने लिखा है, मुल्क राज आनंद ने, कन्फेशन ऑफ ए लवर नॉवल लिखा है मुल्क राज आनंद ने। लाइंस ऑफ लाइन ऑफ मार्स, मार्स मतलब मंगल, मंगल ग्रह पे जो लाइन खींची गई किसने लिखी, मैं से मार्स मैं से मनोहर मंगल मालगोंकर, तो ये लाइंस ऑफ मार्स जो प्ले था वो लिखा है मनोहर मालगोंकर ने, और सर ये बड़ा फेमस प्ले है, आपको मैं इसका थीम बताता हूं। लाइंस ऑफ मार्स किसके ऊपर है, लॉर्ड डलहौजी का, ने जो 1857 में अपने जो अपने एक्सपेंशन अंग्रेजों के राज्य का एक्सपेंशन किया था ना उसके ऊपर बेस है लाइन ऑफ मार्स, लिखने वाला मनोहर मालगोंकर, और थीम है लॉर्ड डलहौजी की जो 1857 में एक्सपेंशन की जो रीम था। नेक्स्ट है सर, ए ड्रीम इन हवेली, अब इसको कैसे याद करेंगे आप साहब, भवानी भट्टाचार्य को इसको आप बोल सकते हैं भाभी, तो भाभी ने ड्रीम में हवेली में क्या देखा, एक ड्रीम देखा, ए ड्रीम इन हवेली किसने लिखा, भवानी भट्टाचार्य ने। सो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होंगे, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।